कार्तिक मास की अमावस्या की रात जहां एक ओर घरों और दुकानों में लक्ष्मी की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर पूरी रात माँ काली की भी पूजा की जाती है। इस रात को काली रात भी कहा जाता है। जमशेदपुर के पार्वती घाट पर अमावस्या की रात का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। एक तरफ जहां शमशान घाट में मंत्रोच्चारण के साथ माँ काली की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर तांत्रिक और अघोरी इस काली रात्र में जहां चीता जलती है वहां साधना करते हैं। इस दौरान उनके आसपास लोग भी मौजूद रहते हैं। इस दौरान शमशान घाट में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। 100 साल पुराने पार्वती घाट पर 100 सालों से अमावस्या की रात को काली पूजा की जाती है। लाल वस्त्र पहने पुजारी माँ की पूजा करते हैं, जो आधी रात से शुरू होकर सुबह तक चलती है। तो साधना करके माने जो भी दुखिया है आता है कि हम बाबा ये कष्ट है वो कष्ट है, हाथ उठाने से भाई उसका कल्याण होता है ना। पूर्ण विश्वास है शमशान पर कि हाँ भाई यहाँ जाने के बाद हमारा सब चीज़ कल्याण होता है। जितना भी भूत प्रेत लंद फन सब है प्रभु, सब यहीं से सब मिलता है और सब यहीं आके भस्म भी होता है। शमशान का नाम लेने से भी मन में भय उत्पन्न हो जाता है, लेकिन अमावस्या की इस अंधेरी रात में हर जगह साधक ही नजर आते हैं। हर किसी की वेशभूषा अलग अलग होती है। कोई काले कपड़े में नजर आता है तो कोई लाल रंग के चोले में नजर आता है। आज तो शक्ति की उपासना है ना, आज यहाँ सिद्धि प्राप्त करते हैं ना। साल भर जो किए हैं वो तपे हैं, तो हम तपेंगे तब ना कुंदन होंगे, तो आज कुंदन हो रहे हैं। उसका आशीर्वाद से बहुत गरीब का भला होता है, और भी आने वाला गरीब का भला होगा। फोकट के चंदन के सरगुंदन श्री राम जय राम मुझे होते रहेगा, सभी खुश रहेंगे। हालांकि जो लोग काली पूजा की रात शमशान में आते हैं वे अघोरी तांत्रिक का आशीर्वाद भी लेते हैं। इन लोगों को इन तांत्रिकों पर भरोसा होता है। आज काली पूजा, आपका काली पूजा भी और दीपावली भी है। आज सबसे बड़ा चीज़ कि यहाँ पे साधना का भी दिन है, माँ काली का यहाँ पे पूजा होता है। इसलिए जहाँ तक बाबा का बात है, साधु संत पे तो वैसे भी हम लोग को भरोसा आता है, क्योंकि सनातन में हर जगह, सनातन में खास करके हम लोग हर जगह श्रद्धा रखते हैं। काली की पूजा करने वाले संदीप का कहना है कि इस शमशान का पूरा रहस्य अभी भी अधूरा है। शमशान के पास दक्षिण से उत्तर की ओर एक नदी बहती है, जिसके कारण उसका प्रभाव अलग होता है। यह एक महान शमशान है। पार्वती घाट जो शमशान है उसको महाशमशान में गिना जाता है, और ये 100 साल पुरानी है। अगर देखा जाए तो इसका असली इतिहास कोई बता नहीं पाता है, लेकिन यहाँ पर जो है आदमी का मन में जो भय है, डर है, वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यहाँ का माहौल जो बना हुआ है, एक शमशान है, ये सत्य है, जिंदगी का आखिरी सत्य है, लेकिन आस्ते आस्ते इंसान का अंदर जो डर था, जो भय था। हमारे देश में त्यौहार और काली पूजा भले ही एक हो, लेकिन उसे मनाने की परंपरा और संस्कृति हर जगह अलग अलग देखने को मिलती है। तंत्र विद्या जैसी कोई चीज होती है या नहीं, ये अलग विचार का विषय है। जमशेदपुर से ईटीवी भारत के लिए जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।